थैंक यू। 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी, हम लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं, हम लोग को गर्व फील होता है कि हम लोग इंडियन हैं। आप किस तरह से सेलिब्रेट करना सेलिब्रेट करती हैं ये जानना चाहूँगा। बचपन में जब गणतंत्र दिन होता था तो बहुत मज़ा आता था, क्योंकि स्कूल में जाते थे हम, फ्लैग हॉइस्टिंग करते थे, हमें बिस्किट्स दिए जाते थे, तो वो कुछ मज़ा और ही होता था। अब मैं ऐसे सेलिब्रेट करती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो 12 साल का है, तो वो जब स्कूल जाता है तो उसे कुछ अलग तरीके से मैं ड्रेसअप कराती हूँ। जैसे कि मैंने एक स्कार्फ लिया है, इट्स अ लॉन्ग लाइक अ स्कार्फ काइंड ऑफ अ थिंग, तो वो मैं फ्लैग कलर्स में है उसमें उसके गले में डालती हूँ। ही वेज़ अ वाइट सलवार कमीज़ और नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड कुर्ता, सॉरी नॉट सलवार, कुर्ता पजामा एंड विद द फ्लैग कलर्ड दिस थिंग, और समटाइम्स वी ड्रॉ टैटू ऑन हिज फेस विच इज़ फ्लैग इन फ्लैग कलर्स। तो एंड देन ही गोज़ टू हिज स्कूल और हम उसके बारे में डिस्कस करते कि उसने कैसे सेलिब्रेट किया। आप कितना मिस करती हैं, आप कितना पार्टिसिपेट करती थी इस दिन? फुल 100% मेरा पार्टिसिपेशन रहता था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वहाँ पे बातें होती थी कि व्हाट इज़ इट बीइंग एन इंडियन, एक पेट्रियट, यानी क्या, क्यों हमें हमारे देश की तरफ जो भी फीलिंग्स है, प्यार है या ह्यूमैनिटी टूवर्ड्स मदर अर्थ, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बताई जाती थी, तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था। और क्या कुछ स्कूल के दिनों में करती थी इस दिन? जैसे मैंने कहा कि फ्लैग हॉइस्टिंग करते थे, द यूनिफॉर्म यूज टू बी क्रिस्पली आयर्न एंड देन वी टू गो डू द फ्लैग हॉइस्टिंग। फिर घर आके, स्कूल तो नहीं होता था, स्कूल तो वॉज इन द मॉर्निंग फॉर 2 घंटे के लिए, फिर बच्चों के साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे, मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे हम सब बच्चे मिलके भी, हम जहाँ रहते थे वहाँ पे फ्लैग हॉइस्टिंग करते थे। इस बार आप किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं रिपब्लिक डे? इस टाइम मैं आई एम मोस्टली गोइंग टू बी वर्किंग, मैं शूट करने वाली हूँ, लेकिन हाँ जैसे मैंने बताया कि मेरे बेटे के साथ मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी गणतंत्र दिन, तो ये जो फ्लैग मैंने लाया है उसके लिए भी एक लाया है, तो होल डे वी एम गोइंग टू बी वेयरिंग दिस। मैं इस टाइम उसको इस चीज़ के बारे में सिखाने वाली हूँ कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने ही ब्रॉट इट इन टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैं उनको उसको बताने वाली हूँ। दोनों की अपनी अपनी जगह है, यू कैन नॉट टेक अवे वन फ्रॉम द अदर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वन फ्रॉम द अदर। रियल हीरोज़ आर दोज हीरोज़ ऑब्वियसली जो वी डोंट सी देम ऑन रील लाइफ और इन अ थिएटर और ऑन टी वी स्क्रीन, दोज आर द हीरोज़ हु आर एक्चुअली आउट देयर ऑन द ग्राउंड डूइंग द वर्क एंड हेल्पिंग सेविंग अदर ह्यूमन बींग्स और अदर बींग्स सो टू से, एंड द स्क्रीन heroes are the heroes who send a message, most of them do of course, they send a social message or they entertain us, which also means that they relieve us from the stress that we are feeling from day to day living. जैसे PM जाते हैं और कई सारे celebrity भी जाते हैं फौजियों के साथ, इस दिन को celebrate करते हैं, वहाँ पे अलग ही माहौल होता है जी और एक अलग सी मतलब positivity feel होती है, so आप कहीं कभी जाना चाहेंगे ऐसा कुछ plan? डेफिनेटली जाना चाहूँगी, लेकिन हाँ मैं हाल ही में पिछले साल जो बॉर्डर है वहाँ पे मैं गई थी फिरोजपुर में, तो वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इतना नज़दीक से देखने मिला, तो दैट वाज एंड आई सॉ द एक्सचेंज और तब बहुत अच्छा लगा, रियली फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन ओवर देयर। आपके हिसाब से कंट्री में क्या कुछ चेंजेस आने चाहिए? बहुत सारे चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है। एक तो मेंटल वेलबींग या मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की, टुडे इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी, हम अवेयर नहीं हैं, गवर्नमेंट शुड मेक प्रोविजन फॉर इट इन द बजट दैट्स अपकमिंग, क्योंकि व्हाट वी डोंट रियलाइज इज़ के लॉट ऑफ फिजिकल इलनेसेस आर रिलेटेड टू मेंटल इलनेसेस, व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट इज़ अल्टीमेटली इफ़ यू सी जो हमारी इकोनॉमी है उस पर डायरेक्ट अफेक्ट होता है, वी लूज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ बिकॉज ऑफ पीपल नॉट बीइंग मेंटली वेल, तो ये जो चीज़ है इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ माय वेरी फेवरेट टॉपिक के जिसके बारे में मैं बात करती हूँ। ऑफकोर्स अदर इशूज़ लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, अब्यूज़ टूवर्ड्स चिल्ड्रन एंड वेमेन, एनवायरमेंट चेंजेस दो दैट आर हैपनिंग लाइक नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इसके और भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ऑल दीज चेंजेस वी हैव टू ब्रिंग इन आवर कंट्री। अपने कंट्री में सबसे ज़्यादा
आपको क्या कुछ पसंद आता है, क्या सबसे ज्यादा प्राउड फिल्म मोमेंट लगता है आपको? देर आर मेनी थिंग्स विच आई फील एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ. वन इज ऑफ कोर्स द ब्रेन. आई मीन वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वी हैव अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस. अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बट हैविंग सेड दैट आई एम प्राउड दैट वी हैव. नो एक्चुअली कैन यू जस्ट डिलीट दैट एंड आई रिफ्रेज इट. हाँ ये करो, ठीक है, ओके. सो हाँ, द थिंग विच आई एम द थिंग्स दैट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ बींग एन इंडियन इज ऑफ कोर्स योगा. वी हैव गिवन दिस गिफ्ट टू द वर्ल्ड, एंड what we don't give importance to or we don't realize is yoga is not just an exercise, it truly is a way of living. It teaches you to align your mind, body and soul and live life the way it is meant to live. Besides that, of course, Ayurveda is one very very big gift that we have given to the world, because plant based medicines or medicines which come from nature are extremely good for us. For preventive measure, Ayurveda is beautiful. So allopathy, yes, it has its place. For example, if you have a fracture or whatever, then you have to go to an allopathic doctor. Having said that, coming back to Ayurveda, which is a gift that we have given to the world, so these two things are definitely something that I'm extremely proud of. Okay, deshbhakti ke songs ya fir movies kitna pasand karte hain aap dekhna? Maza to aata hai, of course, jaise Chak De Hai, all these kind of films which you know you feel very proud of. Okay, aapke aur koi favorite song? वंदे मातरम इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स. जो सिर्फ एक दिन फ्लैग को रिस्पेक्ट देते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसको क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? यही कि वन नीड्स टू बी अवेयर, क्योंकि ए फ्लैग इज समथिंग दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट नॉट ओनली ऑन दीज टू डेज बट 365 डेज ऑफ द ईयर. तो जब आप झंडा खरीदते हो तो प्लीज़ बी केयरफुल हाउ यू आर डिस्पोजिंग. प्लीज़ डोंट थ्रो इट ऑन द रोड कि समबडी कैन स्टेप ऑन इट. दैट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड वी शुड नॉट as Indians do that to our flag or anybody else's flag. We have to respect flags because it has its own place. So beware, be careful. Okay, ye three colors hote hain flag ke, so aapko iska meaning pata hai, ye bhi jana chahiye. Ji, mujhe pata hai. Saffron jo color hai wo tyag batata hai, white hai that's for peace, and green jo hai wo prosperity ke liye, aur jo Ashoka chakra hai that is धर्मा. और हाउ आई लाइक टू इंटरप्रेट इट इज एज धम्मा, विच इज़ नॉट धर्म एज अ रिलीजन बिकॉज दैट कैन बी मिसकंस्ट्रूड, बट वेन इट वॉज पुट ऑन द फ्लैग एज धर्मा और धम्मा, इट मीन्स दैट फॉलो द लॉज ऑफ द नेचर. दैट्स हाउ आई लाइक टू इंटरप्रेट इट. यस, जन गण मन ऑफ कोर्स. हाँ, नहीं मालूम. बोस? नो No, no. Rabindranath Tagore. Yes, I. Yes. And national song? National song, nahi pata. Vande Mataram. Yes. Yeah. And who is written? Nahi pata. Bankim Chand Chattopadhyay. Okay. Okay. Our national tree? National tree? Yeah. National tree bhi hota hai kya? Arre, I don't know. Bird to pata hai, peacock hai. Fruit pata hai, mango hai. Animal pata hai, lion hai. Tree ka nahi pata tha. National game? Hockey. National flower? Lotus. Okay. First Prime Minister of India? Nehru. Oh, first President of India? First President was, नहीं पता, याद नहीं है. पता है? Yes, Rajendra Prasad. Okay. And lastly, audience को क्या message देना चाहोगे? No, all these history. I mean, I was terrible in history. Ask me science, math, I would answer. But as an Indian, please know all these facts. Otherwise, you will get in trouble like I just did. So apologies for that. I knew all the answers, but obviously I forgot. Okay. But thank you for refreshing my memory. Thank you so much. How could I have forgotten? Tree कौन सी है? So सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप कितना देश के बारे में जानती हैं. So कुछ questions हैं मेरे. I was very weak in history. मैं पहले ही disclaimer दे देती हूँ, because it was not my favorite topic. But let's see how much I remember. National anthem. जन गण मन. Poetry. रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, नेशनल सॉन्ग. वंदे मातरम. या, एंड हु इज रिटन? नो. बंकिम चंद्र चटर्जी. ओके. आवर नेशनल ट्री? नेशनल ट्री बनियन ट्री. या, नेशनल फ्लावर? लोटस. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू. फर्स्ट
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर प्रसाद. ओके. ये नेशनल गेम हॉकी. थैंक यू थैंक यू.